आइए आपको बताते हैं कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की बॉयफ्रेंड ने ही हत्या कर दी। रावत भाटा में जवाहर सागर के जंगलों में बुधवार देर रात कोचिंग स्टूडेंट की लाश मिली। कोचिंग की छात्रा 2 दिन पहले लापता हुई थी। छात्रा की कुछ दिनों पहले इंस्टा पर गुजरात के युवक से दोस्ती हुई थी। पुलिस फरार स्टूडेंट की बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली छात्रा आलिया उम्र 17 वर्ष करीब 1.5 महीने पहले कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए आई थी। छात्रा हॉस्टल में रहकर निजी कोचिंग संस्थान से मेडिकल की कोचिंग कर रही थी। वह राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल में रहती थी। 6 जून की सुबह वह कोचिंग जाने की बात कहकर हॉस्टल से निकल गई थी। छात्रा कोचिंग भी गई थी लेकिन हॉस्टल नहीं लौटी। इसके बाद छात्रा की लापता होने की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू की। पुलिस ने हॉस्टल और कोचिंग के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सामने आया कि छात्रा एक लड़के के साथ स्कूटी पर बैठ कर गई है। इसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई फुटेज खंगाले। पुलिस आलिया की तलाश में जुटी हुई थी कि बुधवार सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि छात्रा बोरावास के जंगलों में हो सकती है। पुलिस ने बोरावास के जंगल खंगालना शुरू किया। देर शाम को छात्रा का शव जवाहर सागर एरिया में जंगल में मिला। छात्रा की लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और FSL की टीम ने मौका मुआयना किया। SP केसर सिंह ने बताया कि हत्या कैसे की गई यह पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जिस लड़के पर शक है उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने जब जानकारी जुटानी शुरू की तो सामने आया कि छात्रा की दोस्ती गुजरात के रहने वाले लड़के से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। युवक 4 जून को गुजरात से कोटा आया था। वो कोटा आने के बाद छात्रा से मिला था। इसके बाद 6 जून को दोनों घूमने के लिए कोटा डैम की तरफ गए थे। उसी के बाद से छात्रा लापता है। गुरुवार सुबह पुलिस ने गुजरात के गांधीनगर से युवक को हिरासत में ले लिया है। छात्रा 12वीं क्लास में थी। आलिया अपने घर वालों से बेहद लगाव रखती थी और रोज उनसे बात करती थी। 2 दिन पहले जब घर वालों ने उसे फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया। बार बार फोन लगाने के बाद जब फोन बंद हुआ तो परिजन चिंतित हो गए थे। इसके बाद परिजनों ने कोटा पुलिस से संपर्क किया। मंगलवार को ही छात्रा के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। छात्रा के लापता होने की जानकारी के बाद ही परिजन कोटा पहुंच गए थे। बेटी के मिल जाने की आस में वे लगातार पुलिस के संपर्क में रहे। हालांकि बुधवार रात को छात्रा का शव मिला लेकिन देर रात तक छात्रा के माता पिता को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। गुरुवार सुबह पिता को बताया गया कि बेटी की लाश मिली है। पिता आमीन ने बताया कि बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर चैटिंग और दोस्ती आम बात है लेकिन कोई लड़का कोटा तक पहुंच जाए और बेटी की हत्या कर दे इसके पीछे प्लानिंग ही हो सकती है। कहा हमें तो शक है कि कहीं मामला ब्लैकमेलिंग का ना।